विशाखापट्टनम का एक गांव। इस गांव के सैकड़ों घरों के बीच एक घर में रहता है मैक्स और दूसरे में गौरी। मैक्स गौरी से बेहद प्यार करता है, जान से भी ज्यादा चाहता है उसे। हर रोज उसे गौरी से मिलना है, उससे बात करनी है और उसके साथ खेलना है। वो गौरी के लिए कुछ भी कर सकता है, उसके रोम रोम में सिर्फ गौरी है। आज मेरे पैरों के नीचे जमी दौड़ती है, ला 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 ला। सुनो मैक्स, उस आदमी को जरा पत्थर तो मारो। उसे सामने से मारो या छुपकर? छुपकर मारो। मेरे पास मगर लंबी सी गाड़ी है उसके पास। ओ हो हो, सुरीला मैं गाता जाऊं। अरे बाप रे, सर फोड़ दिया, खून। बाप रे, पता नहीं किसने मुझे मार दिया। मैं तो अपने सुरीले कंठ से चिड़ियों को गाना सुना रहा था, पर ये जालिम दुनिया किसी का हुनर नहीं देख सकती। उसने मुझे मार दिया, सिर के पीछे मेरा सर फोड़ दिया। ये देखो खून, देखा तुमने कितना खून है मेरे हाथों में। ऐसा खून तो इसे फिर से मारो, पर इस बार इसे बता देना। करो, मेरी मदद करो। भाई साहब, आपको किसने मारा जानते हैं? किसने मारा बताओ मुझे। अरे मैंने मारा। अरे बाप रे, इसने मारा। इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। पत्थर मारा, पत्थर मारा। क्यों मारा तूने पत्थर? क्यों मारा? क्यों मारा पत्थर? मुझे बताना पड़ेगा। क्या गौरी ने कहा था? धनराज जी, गौरी ने कहा था। क्यों गौरी पत्थर मारने को क्यों कहा? ये अंकल रोज शराब पीकर अपनी बीवी को मारते हैं। कल भी उन्हें बेरहमी से पीटा था। देखा, सुन लिया ना? अब इन्हें मार के दिखाओ तो जानू बच्चे पे हाथ उठाते हैं। क्या जरूरत है बीच में बोलने की? उसकी बीवी है, शराब पिए मारपीट करे। बस कीजिए। सुनो बेटा मैक्स, तुमने मेरे पति को मेरी वजह से पत्थर मारा। अरे वाह, कितना प्यारा बच्चा है। अगली बार इन्होंने कोई भी ऐसी हरकत की तो इनका पूरा सर फोड़ देना। अब घर चलिए, बताती हूँ। अरे चलिए, ऐसी हरकत करेंगे तो मारनी पड़ेगी, तो और क्या होगा। इन दोनों प्यार करने वालों के बीच एक दिन बहस हो गई। बहस झगड़े में बदल गई। मैक्स ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गौरी बहुत ज्यादा नाराज थी। गौरी, लो अमरूद खा लो। मैं नहीं खाऊंगी। मुझसे बात तो करो गौरी। तुमसे बात नहीं करूंगी, मैंने कसम खाई है। गौरी कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मुझसे ऐसा मत कहो प्लीज। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, समझ में नहीं आता। कितने दिनों तक? क्या मतलब कितने दिनों तक बात नहीं करोगी? दिन नहीं, सालों तक नहीं करूंगी। अच्छा, कितने साल तक? यही कोई 10-12 साल। 10 या 12, ठीक से बताओ। 12 साल। ठीक है, अगर मैं भी तुमसे बात ना करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ठीक है, ये बात भूलना मत। गौरी, आखिरी बार बाय भी नहीं कहोगी? पापा, गौरी मुझसे नाराज है। वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, तो अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब मैं 12 साल बाद ही लौटूंगा। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। बाय पापा, अपना ख्याल रखिएगा। मैक्स, बेटा मैक्स। अरे मैक्स,
कहीं चला गया। तुमने हमारे मैक्स को देखा है क्या? बताओ ने हमारे मैक्स के साथ क्या किया? बताओ। अरे क्या बताओ, वो घर छोड़ के चला गया। कौन? और कौन? मेरा बेटा मैक्स। सुनो बेटी, बता दो मेरा बेटा मैक्स कहाँ चला गया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटी, बता दो ऊपर वाले के नाम पर बता दो। साहब, इस लड़की ने ही कुछ किया है। हमारी बेटी क्या करेगी, कैसी बात कर रहे हो? अभी तो वो घर छोड़कर चला गया। तुम्हारा मैक्स घर छोड़कर गया ना, तो इसे मेरी बेटी का क्या लेना देना? इस लड़की को गिरफ्तार कीजिए साहब। इंस्पेक्टर साहब, अब क्या आप मेरी बेटी को गिरफ्तार करेंगे? लॉज होटल कहीं भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, उसके पास पैसे भी नहीं है। छोटा बच्चा है, कहाँ जाएगा, आ जाएगा। हाँ वो बच्चा ही है, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, पर वो नहीं जानता। ए गौरी, सुनती क्यों नहीं? तूने मेरे बेटे को कहीं भगा दिया और यहाँ आराम से पढ़ रही है। मैं सब देख रहा हूँ, उसकी फिक्र में हम चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं। कहाँ छुपा दिया तूने उसे, कहाँ छुपा? ये क्या नाटक लगा रखा है? आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ, मेरी बेटी को परेशान करना बंद कर दीजिए, समझ नहीं आता आपको? अरे भाग्य तो हमारे फूट गए जो तुम जैसे पड़ोसी मिले हमें। मेरे बेटे को भड़का कर ना जाने कहाँ उसे भगा दिया। मैं तुम सबसे बदला लेकर रहूंगा। कहाँ चला गया मेरा बेटा मैक्स? दीदी आप जानती हैं मेरी शादी के वक्त कितना सताया था? अजीब पागल है वो। शादी की पहली रात को मुझे डंडे से मारा था उसने। हाँ, शराबी कहीं का। अरे गौरी, मेरा मैक्स कहाँ गया बता दे, मेरे बेटे को कहाँ भगाया तूने बता। आखिर तुम चाहते क्या हो, आधी रात में तुम सबको परेशान क्यों कर रहे हो? अरे हमारे घर के बाहर पागलों की तरह चिल्ला रहे हो। मेरा बेटा चाहिए। अरे हेमलता, हाँ इनको लेकर जाओ। अरे रे 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 रे, फिर से शुरू हो गया। चलिए घर चलिए, लेकर जाओ इसे। मैंने कहा घर चलिए। वो बैग वहाँ रख दो। कहाँ जा रहे हो? क्यों नजर नहीं आ रहा? तुम लोग भी घर छोड़कर भाग रहे हो? जाओ जाओ, हमारे प्यारे बेटे को तुम लोगों ने भगा दिया, इसीलिए आए थे ना यहाँ। हाँ हाँ, तुम्हारे ताने नहीं सह सकता मैं, इसीलिए हम जा रहे हैं। अब सुकून से रहो। कौन रोक रहा है तुम्हें? हम जा रहे हैं, सुकून से रहना। ए गौरी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ना जाने किस मनहूस घड़ी में मैं अपना पुराना गांव छोड़कर यहाँ आया, सब बर्बाद हो गया। मेरा बेटा मैक्स बड़ा आदमी बने ये सोचकर मैंने दूसरी शादी की। सोचा था नई जगह है, सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ अच्छा होने की जगह मेरा बेटा ही घर छोड़कर चला गया। लगा था खूब पैसे कमाएगा, मुझे पीने की कोई कमी नहीं होगी, पर हाय रे किस्मत, बिना चखने के ही पीकर गुजारा करना पड़ रहा है। लड़ाई करने का बहुत मन कर रहा है ना तुझे? तो मेरी बात कान खोल के सुना, आज रजनीकांत की फिल्म रिलीज हुई है। मॉर्निंग शो की एक टिकट है मेरे पास, हॉस्पिटल आसपास है तो बोल, यहीं तोड़ता हूँ, वरना एम्बुलेंस बुलाता हूँ। तू अन्ना के इलाके में है अभी, समझा? हमारी बहन के ऊपर नजर रखने वाले की आँख निकाल लेते हैं। तू इसका दोस्त है और इसे बचाने आया है। तू यहाँ आ तो गया है लेकिन बच के जाएगा नहीं। छूट जाएगी।
फिक्र मत कर, जब तक हीरो यहाँ है पिक्चर शुरू नहीं होगी, लेकिन इसका क्लाइमैक्स होना तो तय। क्या हो गया रे तुझे, तू रो क्यों रहा है? तेरे यहां से जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा दोस्त। अरे मेरी जान, तू समझ नहीं रहा है, 12 साल से गौरी वहां मेरा इंतजार कर रही है, तेरा ये हाल है तो सोच उसका क्या हाल हो रहा होगा। ये मत भूल कि तूने गौरी से ज्यादा वक्त मेरे साथ बिताया है। हाँ गुजारा होगा, लेकिन उससे दूर रहना पड़ा इसीलिए, समझा नहीं? गौरी से मिलके तू वापस आ जाएगा ना? अरे आ जाऊंगा, वहाँ काम ही क्या है, 2-3 साल में वापस आ जाऊंगा। अब तू घर पे जा और फिक्र मत कर, ठीक है? जा बेटा। दिल नहीं मान रहा। ओवर एक्टिंग करना बंद कर, चल निकल निकल, बोला ना जा। अबे तेरी खोपड़ी में मांस का जो टुकड़ा है ना, उसको दौड़ाओ घोड़े की तरह दौड़ाओ, तिकड़क तिकड़क तिकड़क। गोदावरी एक्सप्रेस कब आएगी? क्या बोला? गोदावरी एक्सप्रेस। गोदावरी? गो स्ट्रेट टेक राइट, उसके बाद वहां पर जाके सर फोड़ो, भटकों को रास्ता वही दिखाते हैं, चल जा। अच्छा तो चेन्नई एक्सप्रेस कब आएगी यही बता दे। मालूम नहीं, मालूम होता तब भी नहीं बताता, क्या कर लेगा बे? अबे क्या कर लेगा, सर पे हाथ क्यों फेर रहा है, मारेगा मुझे है? शक्ल और अकल दोनों ही कम। अबे मैं मैक्स हूँ, पहचाना नहीं क्या? कहा मैक्स? ओहो तू मैक्स है, स्टेशन में भटके हुए लोगों, मेरा मैक्स आ गया। मैक्स बचपन में तू 9-2-11 हो गया था और अब इतना बड़ा हो गया है, डर गया कि नहीं? सबसे पहले मेरे दर्शन, तेरी जिंदगी में 4 साल और बढ़ जाए। सिर्फ 4 साल बड़ा है? वैसे तू अब क्या कर रहा है सत्य? वैसे सत्य मेरा पुराना नाम है, नया नाम है जॉनी। क्या बोल रहा, नाम बदल दिया? काम भी बदल दिया गुरु, फुल अपडेट हो गया मैं, अब मेरा बिजनेस चाइना जापान मलेशिया हर जगह फैला है। तेरा अच्छा? भाई इंटरनेशनल हो गया गुरु, बाकी की कहानी चाय पे बताता हूं। नहीं यार अब चाय पीऊंगा तो गौरी के हाथ, जॉनी के हाथ से पीना। अरे छोड़ ना, अरे चलना भाई, जिद मत कर, नहीं पीना तो पड़ेगा यार, नहीं चलना तू। देखो भाई वो पकड़ो, पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो। बाप रे चल भाई निकलते हैं, निकलते हैं क्यों? वो सब बात में बताता हूँ, पहले निकल यहाँ से, चल। रोक रोक, भागते किधर है? कहाँ भाग रहा है? अबे भाग जल्दी, अबे रोक, भाग भाग भाग। ए ये रुक जा, रुक जा, ए रोक, अबे निकाल। अरे हम भाग क्यों रहे हैं, पीट क्यों नहीं रहे? भागने में ही भलाई है। अरे यार तू उनके बारे में नहीं जानता, बाप रे ये मुझे फंसा के ही छोड़ेगा। अबे कहाँ भाग रहा है, रोक रोक। अकल का अंधा। अबे कहाँ भाग कर रहे तू, रुक। अच्छा पेट चाहिए ले जा। चल नीचे उतर, नीचे उतर। अरे इनको क्यों मार रहा है तू? क्यों क्या हुआ? माफ कर दे भाई, तू जानता नहीं ये कौन है। जो भी हो हमसे क्या, धुलाई करते टाइम सामने कौन है मैं नहीं देखता। हेलो हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम, फोर्स चाहिए, जल्दी बैकअप भेजिए, मामला हाथ से निकल रहा है, हम कंटेनर यार्ड में हैं। सॉरी साहब गलती हो गई मुझसे। ये सब पुलिस वाले, कब से बताने की कोशिश कर रहा था पर तू सुनता कहाँ है? अबे तू ऐसा क्या करता है कि पुलिस वाले पीछे पड़े हैं? क्या करता है ये देखो, स्मगलिंग। अरे बाप रे, तो ये है तेरे बिजनेस का रेंज? पुलिस पे हाथ उठाता है, चल 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 तेरी खातिर करते हैं। जेल के अंदर मोबाइल कैसे आया, मुझे इसका जवाब चाहिए। बोल, अरे बोल ना बोल, जो पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब दे मुझे।
बाकी सब ठीक है, पर यहाँ की प्लेट बहुत गंदी है। प्लेट साफ चाहिए। हाँ। मेरी किस्मत खराब थी कि तुझसे बात की मैंने। साले जापान चाइना का नाम लेता है और यहाँ जेल का खाना खिला रहा है। देखता क्या आगे देख। सर 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 सर, मेरी बात सुनिए। हमको यहाँ गलती से डाल दिया है सर। हमने कोई जुर्म नहीं किया है सर। हाँ हाँ, यहाँ जितने भी कैदी हैं सबके सब बेगुनाह ही तो हैं। बस हमें ही शौक चढ़ा है कि सबको पकड़ पकड़ कर अंदर कर देते हैं। सर आप कह रहे हैं तो सही होगा, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं गौरी से मिलके जल्दी वापस आ जाऊँगा। गौरी? ये गौरी कौन है? गौरी सर, मेरे दिल की धड़कन है सर। ऐसी धड़कनों की हमारे यहाँ लाइन लगी हुई है, पर उन्हें देखने के लिए हमारे पास जरा से भी फुर्सत नहीं है। जाओ, मुझे परेशान मत करो। सर प्यार मोहब्बत की कुछ भी कह लो, लेकिन बाहर नहीं जा पाओगे। सर कल हम यहाँ से बाहर जाएंगे, शरीफ आदमी हूँ इसीलिए पहले ही बता रहा हूँ। क्या मतलब, भाग जाओगे? नहीं मेरी सर, जेल से भाग जाओगे? नहीं जाएंगे। मेरे जैसे जेलर के सामने किसी की जबान तक नहीं हिलती और तू है कि जबान पे जबान लगाया जा रहा है। साधु कौन है? इसने 10-15 पुलिस वालों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। सर सुनिए तो, खाल में भूसा भर दूंगा। तुझे क्या लगता है, तू यहाँ से भाग जाएगा? क्या है यार, कौन है तू? तू लड़की की वजह से 12 साल का वनवास काट के आ रहा है। उसके लिए 12 क्या, 20 साल भी रुक जाता। सुन बेटा, वहाँ जाके खेल, हमें बात करने दे। खेलने के लिए बोल रहे, बच्चा समझता है क्या? ये अपना ही आदमी है, बोल। इतने साल गांव में रहकर क्या कमाया तूने? क्या कमाया, कुछ भी नहीं कमाया भाई। तो तुझे क्या पैसे की जरूरत नहीं है? हाँ है ना, क्यों? कितने चाहिए? मैं सोच रहा हूँ कि जिंदगी बिताने के लिए 5-10 लाख रुपए काफी हैं। क्यों भाई, तू दे रहा है क्या? 1 करोड़ देंगे। मर्डर करोगे? फिर तुम और गौरी ऐश करना। देखिए बड़े भाई, पैसे के लिए किसी को मारना सही नहीं है, लेकिन इतने पैसे के लिए तो कुछ भी कर सकता हूं। जिसे मारना है वो शरीफ है या हमारी तरह ही है? हमारी तरह गुंडा है। हाँ फिर तो बहुत अच्छा है, पैसे के साथ पुण्य भी मिलेगा। नाम क्या है उसका? वो भी बता देंगे। अगर तुम जेल से भागने में कामयाब हुए तो ये डील तुम्हारी, काबिलियत का इम्तिहान है तुम्हारा। विजयवाड़ा के हाईवे पे शेरे पंजाब ढाबे में हमारा आदमी मिलेगा। मैक्स, अगर तुझे डर लग रहा है तो ये काम मैं कर दूंगा। उसके ऊपर और पैसे मिलेंगे, इसका खेल खत्म कर देना। इसी की वजह से यहाँ आया हूँ, इसे तुम्हें फ्री में मार दूँ। अबे क्या बोल रहे हैं? चुप कर। गौरी से मिलने जा रहा था, इसके चक्कर में इस झमेले में पड़ गया। मर्डर की जिम्मेदारी भी है, कल जेल से भागना भी है, इतनी टेंशन है क्या बोलूं भाई। और पता नहीं गौरी कहाँ है। अरे कहाँ जा रही हो? अरे माँ जानती है आज मैं गांव जा रही हूँ। इसलिए? मैक्स से मिलने के लिए। अरे अब तक वो पहुँच भी गया होगा। उनको पता चला तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। माँ सुनिए, आपको पिताजी को किसी तरह समझाना होगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। माँ समझिए ना। अरे कहाँ जाना है बेटी? मैक्स की तलाश में। वो लौटा है कि नहीं तुम्हें क्या पता? घर छोड़कर भागा हुआ कायर है वो। उस दिन वो भाग गया था, अब तू भागना चाहती है? ये बताओ, तुम्हारे साथ हम कभी बाप की तरह पेश आए, एक दोस्त के ही तरह पेश आए ना? हमारे जज्बात का फायदा उठाकर तू मैक्स की तलाश में जाएगी? ये मत समझना कि तेरे बाप को दुनियादारी समझ नहीं आती। ये बस इतना सोच रही थी कि इसे सोचने का ज्यादा मौका मत दो, नहीं तो तुम्हारी सोच को पीछे छोड़ देगी। मैक्स सब्जी की गाड़ी में छुप के निकल जाए। भाग सकता है, देखा? खाली दूध के बर्तन को भी इतनी हिफाजत से ले जा रहा है कि किसी तरह की कोई आवाज ना हो। हमारा सिक्स सेंस हमें कुछ बता रहा है। क्या प्लानिंग चल रही है यहाँ पर? जेल से भागने की प्लानिंग कर रहे हो? कभी नहीं भाग पाओगे, तुम सबकी खाल खींच लूंगा। अब बोल, तू बोल, तू बोल, नहीं तो खाल खींच लूंगा। सब ढूंढो उसे। लगता है वो यहाँ से भाग गया। अगर वही भागा है तो हमारे लिए अच्छी बात है। नमस्ते आंटी। हाँ बताओ बेटी। आप ही हेमलता जी है ना? हाँ सही कहा।
मैक्स आ गया क्या? मैक्स? कौन मैक्स? अरे आपका बेटा, वही जो बचपन में भाग गया था। लेकिन तुम कौन हो? आपने मुझे पहचाना नहीं आंटी? ना, मैं पड़ोस में ही रहती थी, गौरी। अच्छा गौरी, अजी हाँ। सुनते हो, इधर आइए, अपनी गौरी आई है। तुम पड़ोस वाली गौरी हो ना? हाँ आंटी। कौन सी गौरी? हाँ, हमारे पड़ोस हाँ, वाली? हाँ अंकल वही हूँ। हाँ, अब क्यों आई हो? बस वो मैक्स से मिलना था। ओह, अब हम लोग हैदराबाद में बस गए हैं अंकल। हाँ। पिताजी वहाँ पर एक प्रॉपर्टी डीलर हैं। मेरे घर का सौदा कर दिया? कब बेचोगी इसे? हमारे इकलौते बेटे को हमसे दूर कर दिया तूने। वो किस हाल में है कुछ नहीं पता, हमदर्दी दिखा रही हो? चलो निकलो। सुनो, जल्दी निकलो यहाँ से। आंटी जी मैं ना बहुत दूर से आई हूँ। जहाँ से भी आई हो वापस लौट जाओ। मैक्स जब आ जाए तो। मैक्स टैक्स कोई नहीं है, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, हाथ छोड़ता हूँ, पीछा छोड़ो। दोबारा अगर मेरे घर के आसपास भी दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से, मैक्स से मिलने, चल निकल यहाँ से। आज सुबह विशाखापट्टनम के कैद खाने से दो कैदी फरार हो गए और उनकी तलाश जारी है। आपके ढाबे में टीवी तो नहीं लगा है ना? नहीं। ये है। तो बहुत अच्छी बात है, लोगों का दिमाग खराब हो जाता है टीवी देखकर। मैक्स से मिलना है, आइए बैठिए। सलाम साहब। पूरे 10 लाख हैं और एक फोन भी। मैं हूँ राधेश्याम एडवोकेट और मेरा नंबर इसमें सेव्ड है। तो हैदराबाद कब आ रहे हो? वहाँ क्यों? काम वहीं बताऊंगा। 2 दिन में पहुंच जाऊंगा। पहुंचते ही फोन करना। ऐसा क्या, मुझे ही करना पड़ेगा? तू भी तो कर सकता है। तेरा स्टाइल मुझे पसंद आया। लेकिन कॉल तो तू ही करेगा, मैं नहीं। अगली बार गॉगल मत पहन के आना, ठीक है? कपड़े पसंद नहीं आए तो मुश्किल हो जाएगी, रहने दो। आज भी मेरे पैरों के नीचे जमी दौड़ती है लाला। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मेरी साइकिल है छोटी। अरे ये तेरा घर नहीं है? अरे बगले, ये गौरी का घर है। अबे गौरी तक ठीक है, उसका मकान तो छोड़ दे। गौरी गौरी अभी बाहर आई। कौन है, क्या चाहिए आपको? वो मुझे गौरी से मिलना था। गौरी? गौरी कौन? मैक्स की गौरी, और मैं गौरी का मैक्स। मम्मी ये परेशान कर रहा है। यहाँ पर कोई गौरी वोरी नहीं रहती, इसे परेशान मत करो, चल बेटा। गौरी यहाँ नहीं रहती, अब क्या करेंगे? अरे इनके क्यों मुंह लग रहा है, चल अंकल के पास चलते हैं। वो तो बहुत मारेंगे। अरे मेरे होते हुए तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, चल। हाँ आ जा। प्रभाकर जी, प्रभाकर जी। हाँ बोलो, क्या बात है? अरे बात कर। आपने मुझे पहचाना? नहीं, तुम कौन? मैं मैक्स। क्या? मतलब मैं मैक्स का दोस्त हूँ, बचपन में यही खेलता था। आपने एक बार आइसक्रीम भी खिलाई थी। मैंने बेटे को तो खिलाई नहीं, तुम्हें कब खिला दिया? अरे भूल गए क्या अंकल, यहीं शराब पी के पड़े रहते थे और आंटी बेलन लाकर आपको कूटा करती थी। सही कहा, निशान तो अभी भी है। अंकल ये बाजू वाले घर में गौरी रहती थी, वो कहाँ है आजकल? चुप कर, उस लड़की की वजह से मेरा बेटा घर से भाग गया। वो लोग यहाँ होते तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता, गांव छोड़ के चले गए इसलिए बच गए। अच्छा वो लोग कहाँ गए ये बताया? कहीं भी जाए, मुझसे क्या मतलब? अच्छा अंकल, जन्नत की सैर करेंगे? क्या कहा? नहीं चले। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अगर आज मेरा मैक्स मेरे पास होता तो तुम्हारी तरह खूबसूरत ना सही लेकिन जवान जरूर होता। पता नहीं कहाँ चला गया वो, अकेले छोड़ गया हमें। अगर वो हमारे साथ होता तो हमारा सारा कर्जा चुका देता। प्रभाकर जी, कर्जा कितना होगा? यही कोई 4-5 लाख। क्या सोच रहा है? हाँ समझ गया अंकल, अभी के लिए ये 10 रख लीजिए। अरे बेटा 10,000 में आजकल क्या होता है? 10,000 नहीं, 10 लाख अंकल। कोई बात नहीं, रख लीजिए। बस ये समझ लीजिएगा कि आपके बैग्स नहीं आपके लिए भेजे हैं। जब तुम लोग इतने अच्छे हो तो मेरा बेटा कितना अच्छा होता। सुनो बच्चों, आज तुम लोगों को मेरे साथ ही रहना होगा। चलो घर चलते हैं। चलने से पहले एक बात बताएंगे अंकल? पूछो बेटा। वो अपनी गौरी जो थी, खुशी के मौके पे गौरी का नाम, उसी ने तो हमें बर्बाद किया है। इन मच्छरों को भी मेरा ही खून पीना है। सुनिए, दरवाजे पर कोई आया है, जरा जाकर देखिए। कम से कम आंटी मेरा फोन नंबर ही ले लीजिए। ए, शर्म नहीं आती तुझे? चल निकल यहाँ से। देखो मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ, अगर तुम मेरे घर के आसपास भी दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज आंटी। क्या बकवास कर रही हो? खेलने कूदने की उम्र में हमारे बेटे को छीन लिया था, अब तो बड़ी होकर आई है, न जाने क्या गुल खिलाएगी। मैडम फोन नंबर देने आई थी। क्या हुआ सुबह सुबह इतना गुस्सा? अरे बरसने वाली बात ही है, बार बार आ जाती है वो पागल गौरी। गौरी तुम्हें क्या हो गया, ऐसे उछल रहे हो? वो तो मैक्स से मिलने आई थी, इसीलिए मैंने उसे भगा दिया।
मैक्स, तू मेरा बेटा मैक्स है ना, जो हमें छोड़ गया था। तू गौरी का नाम सुनते ही जिस तरह से दौड़ा, मैं समझ गया तू मैक्स है। हाँ पापा, मैं मैक्स ही हूँ। कहाँ था तू अब तक बेटा, हमें क्यों छोड़ गया था? मेरी गलती की सजा अपनी माँ को क्यों दी? मुझसे गलती हो गई, मैं गौरी की वजह से गया था, ना कि आपकी वजह से पापा। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुझे अच्छी तरह समझ नहीं पाया। गौरी से तेरे प्यार के एहसास को मैंने आज समझा है। उस बच्ची को भला बुरा कहके मैंने घर से भगा दिया था, माफ कर दे बेटा। आपकी गलती नहीं है, गौरी मेरे लिए यहाँ तक आई यही बहुत बड़ी बात है। कह रही थी कि वो लोग हैदराबाद में बस गए हैं, उसके पिता शायद प्रॉपर्टी डीलर हैं। फोन नंबर मैंने लिया नहीं। कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर जा ही रहा हूँ, वहीं उससे मिलूंगा। तू फिर हमें छोड़ के जा रहा है? जल्दी वापस आ जाऊंगा, लेकिन माँ को मत बताइएगा। हैदराबाद जाने वाली बस रवाना होने वाली है, सभी लोग जल्दी आ जाइए। अगर तू उन्हें बता देता कि तू ही मैक्स है तो गौरी का पता चल जाता। अरे छोड़ ना यार, हैदराबाद जाके मैं उसे ढूंढ लूंगा, तू फिक्र मत कर। बात फिक्र की नहीं है, मैं सोच रहा था कि तू हैदराबाद पहुंच के किसी दिन गौरी से टकरा गया तो उसे पहचानेगा कैसे। अरे तू समझा नहीं क्या? क्या अगर मेरी जाने मन मेरे सामने के आसपास भी आ जाएगी ना, तो मेरी धड़कन जोर से बजने लगेगी, जैसे दिल में गिटार बजता है वैसे ही। अरे वाह। एक्सक्यूज मी, आप जरा बगल हटेंगे, मुझे अंदर जाना है। यहाँ प्यार की बात हो रही है, तेरे को अंदर जाना है? वेट कर। मेरी जो गौरी है ना, उसके दिल का और मेरे दिल का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हेलो, मुझे अंदर जाना है। जा, जाना। जाओ। बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मेरे दिमाग में एक और सवाल आया है। हम गौरी को ढूंढने जा रहे हैं ना, पर अगर गौरी से सुंदर लड़की तुझे मिल गई तो, और मान ले वो तुझसे प्यार करने लगी तो क्या करेगा? मुझे गौरी के सिवा कोई नहीं चाहिए। पर जरा सोच, ऐसी सिचुएशन अगर आएगी तो तू धर्म संकट में फंस जाएगा। तुझे मिलने को आ रहा है तेरा मैक्स, कहाँ है तू? हेलो, सुनिए आंटी, मैं ना हैदराबाद जा रही हूँ, तो आप प्लीज मेरा नंबर लिख लीजिए। हजार बार समझाने के बाद भी तुझे अकल नहीं आई? पेशन लड़की, फिर से कॉल किया तो कंप्लेन कर दूंगी, चल फोन रख। अरे भाई, बस हैदराबाद कितने बजे पहुंचेगी? 6 बजे। अगर 6 बजे बस नहीं पहुंची ना, तो तुझे चलती बस से बाहर फेंक दूंगा। जब से मैंने तुझे देखा तेरी धड़कने। सुनो, बस पर चढ़ते वक्त मुझसे झगड़ने वाली तुम ही थी ना, बुरा लगा तो सॉरी। कोई बात नहीं। उधर क्या देख रहा है, आगे देख। लगता है किसी और ही टेंशन में हो तुम। कोई बात नहीं, लेकिन लड़कियां रोते हुए अच्छी नहीं लगती, बहुत बुरी लगती है। रो के क्या मिलेगा, हंसो, खुश रहो जिंदगी में। अबे ओ कंडक्टर, क्या कर रहा है? फिल्म लगाने जा रहा हूँ। कौन सी फिल्म? हिंदी डब फिल्म। हिंदी इंग्लिश को गोली मार, रजनीकांत की फिल्म लगा। कल ही तो लगाई थी मुथू महाराजा। कल लगाई थी तो आज भी लगा। अरे एक ही फिल्म रोज रोज थोड़ी ना लगा सकते हैं। अब जरा एक सीन सोच। हाँ। एक बस तेजी से जा रही है। हाँ। और उसकी खिड़कियों को तोड़कर तू बाहर उड़ रहा है, सोच कैसा लगेगा। करके दिखाऊं क्या? मुथू महाराजा ही लगाना है ना? सही समझा। ठीक है। उधर देख, सोने के लिए आया क्या? रजनीकांत की पिक्चर में सोता है। अबे हट सामने से, चल पैसे निकाल। लूटने आए हो क्या भाई? हाँ चल तू भी निकाल। उधर एक रजनीकांत, इधर एक रजनीकांत, दो दो रजनीकांत के होते हुए बस लूटने की हिम्मत की।
मैं तुझे यही सीन समझा रहा था। थैंक यू सो मच। अरे चलता है, चलो चल के कुछ खाते हैं। पैसे तू देगा? क्यों नहीं दूंगा, पेट भर के खाना। हाँ, फिर चल। दो प्लेट चिकन कोरमा और रोटी। हाँ ठीक है। हाँ। दो प्लेट कोरमा रोटी। आइए मैडम जी, आ जाइए। हेलो जी। हेलो, मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। अरे कोई बात नहीं। नाम जान सकती हूँ? रजनीकांत। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चल भाई। हाँ भाई। मेरे लाख समझाने के बाद भी तुम मैक्स को ढूंढने निकल गई। अब चलो। सफर अच्छा था? नहीं बुरा था। तू क्या कर लेगा बे? ये सब बकवास छोड़ काम की बात कर। मैक्स से मुलाकात हुई? नहीं हुई। देखो बेटी, रॉन्ग प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, बंजर जमीन भी खरीदी जा सकती है, और कोई जमीन है जिसके कागजात ना हो तो भी रास्ता निकाला जा सकता है, पर कागजात है और जमीन ही ना हो तो कोई क्या करे। तेरे मैक्स का हाल भी बिल्कुल ऐसा ही है। ड्राइवर साहब बातें ही सुनोगे कि गाड़ी भी चलाओगे? हेलो, क्या सच में? अरे यार क्या कह रही हो, मैं वापस इंडिया आ रही हूँ। लक्ष्मी। हाँ। जरा इस लड़के की तस्वीर देखो। ठीक है, पर कुछ खास नहीं है। अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। क्या? अब बताओ कैसा लग रहा है? लड़का तो बहुत अच्छा है। है ना? सच में? अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही नहीं बल्कि खाली वक्त में प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता है। अच्छा? अमेरिका में रियल एस्टेट का कारोबार है, इसीलिए तो मुझे पसंद आया। अरे वाह। मैंने इसके बारे में पता लगाया, लड़का बहुत अच्छा है। अगर गौरी मान गई तो फौरन शादी कर देंगे। लेकिन मैक्स का पता चलने तक वो नहीं मानने वाली। मैक्स का बच्चा भी ना गौरी का है। अगर कोई प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले तो उसे खाली करवाना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। गौरी का है? दीदी अपने कमरे में है। एक दो तीन तक दिना दिन दिन जंगल में मोर नाचे झूम झूम के, लड़का भी देखो नाचे झूम झूम के। एक दो तीन ए तक दिना दिन दिन ए जंगल में मोर नाचे झूम झूम के। सोनिया। ऐसे बेकार के सपने देखकर ही लड़कियां बिगड़ जाती हैं। क्यों बेटी, ख्यालों में मैक्स ही था ना? अगली बार ख्यालों में आए तो मुझसे मिलवा देना, बहुत सारी बातें करनी है। किस लिए? समझती क्यों नहीं, बरसों से लंदन में पढ़ाई की, MBA किया, इसके बावजूद मैक्स को भूल नहीं पा रही। कहाँ है वो, उसे बुलाओ सामने तो आए। इसीलिए तो उसका पता लगाने के लिए मैंने अनु को वहाँ भेजा था। तो क्या हुआ, मिल गया? आखिर कहाँ है वो, होता तब आता ना। देखो बेटी, घर तभी बसता है जब उसकी बुनियाद अच्छी हो। पति को चाहिए कि पत्नी से प्यार करे और उसी के साथ जिंदगी गुजारे, उसे यकीन दिलाए कि मुसीबत या गम में कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा, तब जाके घर घर कहलाता है बेटी। मैं जानती हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा। आज तक मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं उसे इतना चाहती क्यों हूँ, पर अब जाके मुझे समझ में आया कि इतना भरोसा, खुद पर यकीन करना, बचपन में ही ये सब उसने मुझे सिखा दिया था। शेर है मेरे बच्चे, लेकिन जेल में है। 6 साल हो गए हैं उन्हें, सोचता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। 6, वो दोनों जब साथ नहीं होते तो लगता है मैं मजबूर हूं। खैर, उन दोनों को कब रिहा करवा रहे हो? बताओ
कब रिहा होंगे मेरे बच्चे? आप जितना सोच रहे हैं ये काम उतना आसान नहीं है। अरे जेल के अपने कानून होते हैं। अगर जेल में आपके बेटे शराफत से रहते ना तो किसी भी 15 अगस्त को आराम से छुड़ा लेता उन्हें, लेकिन वो वहाँ भी किसी न किसी से लड़ते रहते हैं। नाक में दबकर रखा है भाई साहब। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। मेरी वजह से ये मंत्री बना है, इसी वजह से तुम्हें नौकरी मिली है। सिर्फ मेरे बच्चों ने ही नहीं, मैंने भी बहुत लोगों के सिर काटे हैं। पिछली लड़ाई में शायद तुम भूल गए हो। मुझे कानूनी दांव पेच मत सिखाओ। तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, मैं नहीं जानता। आने वाली 15 अगस्त को मेरे बच्चे मेरे सामने होने चाहिए। माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं भाई साहब। मैंने जो माफी मांगी वो तुम्हारे गाल पर चाटा मारा इसलिए नहीं मांगी। अगर 15 अगस्त को मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं हुए तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, उसके लिए मांगी थी। तुम्हारा भी अपना परिवार है और ये मैं जानता हूँ, इसीलिए तुमसे कह रहा था। माफ कर देना, अब तुम जाओ। ठीक है, चलो। शिवा भाई को मारना है, यही हमारी जिंदगी का मकसद है। उसे मारने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन नहीं मार सका। उसकी मौत देखने के लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगा। हाथड़ा हाथड़ा। मंगल सिंह कौन है तू नहीं जानता? अब ये लंगूर कौन है? कहां से पकड़ कर लाया है इसे? यही मंगल सिंह है। सॉरी सॉरी। अच्छा, तेरे और शिवा के बीच में लफड़ा क्या हुआ है? तुझसे मतलब? ये हमारी आपस की बात है, तुझे क्यों बताऊं? तू उसे मारेगा या नहीं? बिल्कुल मारूंगा। शिवा भाई को जानता है? उसे कभी देखा भी है तूने? ए, ले जाके दिखाओ वो कौन है। एक चाय लेके आ। जी भाई। उस मंगल सिंह के साथ मिलके तू ये ड्रामा कर रहा है ना? हमने पहले ही समझाया था कि हमारे लड़के लोग को टैक्स मत करना और रियल एस्टेट के धंधे में टांग मत अड़ाना, समझाया था ना? लेकिन तू नहीं माना। भाई चाय। जाके मंगल सिंह से कह देना जिस दिन उसके बेटे जेल से रिहा होंगे मारे जाएंगे। पुलिस वालों को मैं पसंद करता हूं, इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूं। चल जा चल। अरे अरे, गोली क्यों चलाई? पुलिस वाला था इसलिए छोड़ दिया था ना? ये आपको मारना चाहता था। हाँ तो कुछ भी करोगे, गोली चला दोगे? ए, उठाओ इसे, अस्पताल ले जाओ। रुको, एक मिनट। अस्पताल, तफ्तीश, मुसीबत। खत्म कर दो। अरे बापरे, इसे मारना है क्या? हाँ। 1 करोड़ की सुपारी देके अच्छा चूना लगा है। मुझे अभी के अभी 5 लाख चाहिए। अभी अभी तो 10 लाख दिया था। अरे तब इसे देखा नहीं था, देखता तो 50 मांगता। देख तो कितना डेंजर है। अभी तू 5 दे दे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्या कहा? और रुपए मांग रहा है? पर ऐसा क्यों कह रहा है? अरे कह रहा है कि दिमाग नहीं काम करेगा पैसा नहीं मिला तो। ठीक है, समीरा प्लाजा आने के लिए बोलो, उसे मेरा नंबर दो। ऐसा करो, समीरा प्लाजा चले जाओ, विजय भाई पैसे दे देंगे। विजय भाई कौन है? मंगल सिंह का बेटा है। ये नया बेटा कहां से आ गया? 2 बेटे जेल के अंदर, 1 बेटा बाहर है, सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल सही। तब ठीक है। अच्छा तू यहां किसी धनराज को जानता है क्या? नहीं, क्यों? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चल चल चलते। यहां कोई रियल एस्टेट ऑफिस है क्या? मुझे नहीं पता। आप किसी धनराज को जानते हैं क्या? नहीं जानता। कोई बात नहीं। हाय बेबी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कब आई? कल शाम को पहुँची। तुम लंदन क्यों नहीं आई? आने वाली थी ना? थोड़ा काम में बिजी हो गई थी।
लफंगा मुझे घूर रहा है। एक मिनट होल्ड करो, ठीक है? ओके। यस। लगता है कोई पागल है, मुझे लगा पीछा कर रहा है। ये तो मैंने क्वीन देख रहा है। तुम सुनाओ, सब ठीक है? तुम बताओ। मेरी हसीन दिलरुबा, इतनी बड़ी तो हो गई होगी। अगर इतनी हाइट हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीने से लगा लूंगा। मेरी जान, मेरी जाने तमन्ना, ये तो मेरी जानू, पागल है। कैसी हो मेरी जाने बाहर? ये तो पुतले से लिपट कर प्यार कर रहा है। अरे यार, क्या मस्त लगेगी वो। दाम कहाँ लिखा है? यहाँ है क्या? यही होगा। ए, रुको, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हाँ, तुम्हारे साथ तो मैंने कुछ किया नहीं, तुम इतना क्यों भड़क रही हो? तमीज नहीं है क्या? जानते भी हो क्या बकवास कर रहे हो? Don't you have any respect for women? Hello, madam. हम आपकी तरह अंग्रेजी पुसी कैट नहीं है, देसी सांड है, समझी? जी। हाँ, थोड़ी बदबू जरूर आती है क्योंकि सब कुछ चबा जाते हैं। क्या बोल रहे हो? हाँ, सारी डबल मीनिंग बातें। सर, जरा देखिए इस आदमी को, कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। ऐसे लोग आखिर अंदर आते कैसे हैं? आप जाइए, मैं देखता हूँ उसे। आप जाइए, चिंता मत कीजिए। क्यों बे, लड़कियों को छेड़ता है क्यों? सही है भाई, लड़की देख के शाणा बन रहा है क्या? मुझसे उलझ रहा है तू? मेरे बारे में कुछ जानता भी है क्या? बताऊं मैं कौन हूँ? दिखने में मैं साइकिल लगता हूँ, लेकिन हूँ स्पोर्ट्स बाइक, डबल हॉर्स पावर वाला। पावर नहीं, चर्बी ज्यादा है तुझमें। अबे अबे छोड़। इसी हाथ से धक्का मारा था ना मुझे तुमने? अगर मैंने इसे दबाकर जरा सा भी खींचा ना तो पूरी नस बाहर आ जाएगी। निकालूं क्या बाहर? अरे छोड़ दे, मुझे जाने दे। चुप होना है। अरे मैं यहाँ पे आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, किधर है तुम्हारा ये विजय? अरे मैं ही विजय हूँ, मैं ही विजय हूँ। छोड़ो मुझे, चल हट। विजय भाई सॉरी, सॉरी यार, नाम पहले बताते तो इतना लफड़ा नहीं होता। ये तुम्हारे पैसे। हाँ आने दे, तू कॉफी पीना। बड़े भाई, किसी धनराज को जानते हो क्या? अनु, तो मैक्स के घर गई थी ना? हाँ। उसके माँ बाप तुमसे अच्छे से पेश आए ना? उसके माँ बाप ने मुझे इतना कोसा कि मन कर रहा था वही पत्थर से सिर फोड़ लूं। हाँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि ये सब तुम्हारी किस्मत में है, इसलिए मैंने जाने दिया। अरे छोड़ना यार, वो अभी तक नाराज होंगे। अच्छा अनु, मैक्स तो अब बहुत हैंडसम हो गया होगा, है ना? वो सब मुझे नहीं पता, पर जानती हो बस में मुझे एक असली हीरो मिला था, रजनीकांत। हैं? दीदी बस में जो उसने फाइट की, क्या बताऊं? आहा। ए, अपना मुंह बंद रख, मैं मैक्स के बारे में पूछ रही हूँ और तू अपनी स्टोरी बता रही है। मैक्स, तुम इस वक्त कहाँ हो? तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं, कम से कम प्यार से कभी एक कॉल ही कर लेते। चल चल जल्दी कर। भाई भाई, आप यहीं के रहने वाले हो ना? हाँ, बिल्कुल। क्या बात है, यहाँ की एक कड़क चाय मुझे पिला दीजिए। हाँ, क्यों नहीं भाई, के लिए गरम गरम चाय। बड़े भाई, कब से हैं आप यहाँ पे? मुझे 10 साल हो गए। अच्छा, ये महल जैसा घर किसका है? जिस भाई का घर है वो बहुत बड़ा डॉन है। वो यहीं रहता है क्या? नहीं नहीं, वो दिन में तो यहाँ रहते हैं लेकिन रात में कहीं और जाते हैं। ये भी सही है। अच्छा एक बात बताइए, आप किसी धनराज नाम के आदमी को जानते हैं? नहीं जानता। अच्छा कोई नहीं, आप काम कीजिए। सुनना भाई। जी सर। एक चाय लेके आना। अभी लाया। कहाँ गया छोटू? छोटू कहाँ हो? छोटू, छोटू, मेरा चुआवा कहाँ है? क्या कहा, चुआवा? जी हाँ। लाल कमीज पहनी है क्या? हाँ। छोटे कद का है। हाँ। पीछे एक छोटी सी दुम्बी है ना? अरे वो है कहाँ? अब ये मत कहना कि मेरा चुआवा उसके अंदर है, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। क्या कहा, जान ले लेगी? हाँ। कुछ ज्यादा ही फुदक रहा था, इसीलिए डिब्बे हाँ। में बंद कर दिया। छोटू
तुम्हारा ये छोटू मुझे चाट रहा था, काटने से पहले मैंने बंद कर दिया। ये डॉगी है और डॉगी चाटते हैं, समझे? दो मुझे। एक मिनट रुको, ये कोई अलग नस्ल का लगता है। तुम कह रही हो कुत्ता है, मुझे बिल्ली लग रही है। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कभी स्कर्ट उठा कर देखते हो तो कभी टांग उठा कर। मुझे लगता है तुम पूरी तरह पागल हो। क्या मुझे पागल का? तुझे भी इसकी तरह डिब्बे में बंद कर दूंगा। अभी सबक सिखाती हूँ। तू है कौन? इतनी डेरिंग? एक बार मेरा साइज तो देख, तू इतनी सी है। समझ नहीं आ रहा तुझसे लड़ू या पर्स में रख लूं। पकड़े से। और सुन, अगली बार मुझे चाटा ना तो जबान खींच लूंगा, इसकी नहीं तेरी। खाना पीना और मौज मनाना, जीवन की है ये बढ़िया रीत। चखना और बोतल हो जब सामने तो खुद ही बढ़ जाती है प्रीत। कभी तो फोन उठा लिया कीजिए। प्रभाकर ले गिलास खींच। इसके सामने बैठा रहूंगा तो कभी फोन नहीं लगेगा, मनुष्य लड़की। मुझे हर कोई कहता है जंगली, पी के होता हूँ टल्ली। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम जंगली हो। फोन नहीं उठा सकते क्या? ये काम तुम्हारा काम है? नहीं है। हाँ हेलो। हेलो आंटी, मैं गौरी बोल रही हूँ। मैक्स वापस आया क्या? ए, इतना सुनने के बाद भी तुझे शर्म नहीं आती? कैसी लड़की हो? I'm sorry आंटी, मैक्स आया कि नहीं बस यही पूछना था। ए, चल फोन रख। ओके। समझ में नहीं आता। मैं जीनियस बैंक से बोल रही हूँ। जी कहिए ना। आपके नाम 5 लाख फिक्स डिपॉजिट है। 5 लाख? जी हाँ मैडम, और आपके नाम का चेक तैयार रखा है। आप बैंक में आएंगी तो सब समझ जाएंगी। पहले आप नंबर लिख लीजिए। जी जी, एक मिनट, लिखिए। हाँ नंबर बताइए। 9989 5729 5729। इस नंबर का क्या करना है? किसी मैक्स नाम के लड़के ने आपके नाम पर ये डिपॉजिट किया है। अगर वो इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको चेक मिल जाएगा। चालाक बनती है, आवाज बदल के बोलेगी तो मुझे समझ नहीं आएगा। फोन पे लोन के नाम पे बेवकूफ बना रही। फोन था? अरे उसी कल मुही गौरी का। क्या कहा? कह रही थी मैक्स से कहना कि इस नंबर पर फोन करे। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, जैसे हमारे पास कोई और काम नहीं है। परेशान कर रहा है इसने। खाते में लिख देना। अरे सुन, मैक्स का नंबर है तेरे पास? वो हैदराबाद में है ये पता है, पर उसका नंबर नहीं है मेरे पास। अभी अभी गौरी का नंबर मुझे मिला है, इसे उस तक पहुंचाना होगा। गौरी का नंबर मिल गया? हाँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हाँ। मैं अभी हैदराबाद के लिए निकलता हूँ और उसे ये नंबर दे दूंगा। अरे अंकल सुनिए। हाँ? मैं हमेशा उसे मैक्स मैक्स कहकर बुलाता हूँ, लेकिन उसका असली नाम क्या है? बनारसी। बनारसी? ये तो अच्छी बात नहीं है। आपके पिताजी ने आपका प्रभाकर जैसा शानदार नाम रखा, फिर आपने अपने बेटे का नाम बनारसी क्यों रखा? पिताजी ने मेरा इतना अच्छा नाम रखा, इसीलिए अपने बेटे का नाम मैंने उनके नाम पे रख दिया। बनारसी, इसे पहुंचा दो, जाओ। हेलो, गौरी है? गौरी, एक मिनट रुकिए। अरे गौरी कहाँ है जरा देखना तो। शिवा भाई, वो भी सो रही है। हाँ वो सो रही है। आप लोग जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं उसे मैं अच्छे से समझता हूँ। उससे कहिएगा कि मुझे कॉल करे। ठीक है। क्यों मैक्स कहाँ तक पहुँचा? क्या तैयारी है? उसे कब मारने वाला है? आज रात ही। आज रात को ही? उसे आज रात को ही मार देगा। किसे किसे मारने वाला है? दोबारा पूछ उससे। अरे वो शिवा भाई है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं, बकवास करता है। अरे उस लड़के को आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं। हे, तूने शिवा भाई की शक्ल दिखाई थी ना? अच्छे से दिखाई थी। पता नहीं किसकी शक्ल दिखा के आया है, ना जाने किसको मारने वाला है वो। एक बार फिर पूछ उससे। ए, तू किसकी बात कर रहा है? अरे और किसकी, शिवा भाई की। कहाँ मारेगा? मोलाली के पास। पर शिवा भाई मोलाली क्यों आएंगे? वो वहाँ जरूर आएगा। ये क्या बोल रहा है वो? शिवा भाई वहाँ क्यों जाएगा? उसने कहा है तो ठीक ही होगा, उसे मत रोको। उससे एक ही बात कहना कि वो चूके ना।
शिवा भाई पे हमला करना था तो बंदूक लेकर आना चाहिए था। ऐसे हथियारों से काम नहीं चलेगा। चल घुसे। मेरे इलाके में आकर मेरी ही जासूसी करो और मुझे पता ना चले, ऐसा नहीं हो सकता। पर तू अब मेरे जाल में फंस चुका है। बोल तो तुझे अभी खत्म कर देता हूँ। क्या बोलता है? बोल रहे, बात क्या है? तेरा शिवा मेरे सामने खड़ा है। हाँ, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। काम खत्म करके फोन करता हूँ। अबे तुझे बात समझ में नहीं आती? तो चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो? और तो शिवा भाई के सामने खड़ा है। तो क्या हुआ? डर नहीं लगता? वो क्या होता है? अबे ओए हीरो, तेरा दिमाग तो सही है ना? हाँ, सब कुछ सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तुझे मारने की सुपारी ली है। मैंने बहुत से लोगों को मारा है, लेकिन कभी किसी सिर फेरे को नहीं मारा। मुझे लगता है तेरे दिमाग का फ्यूज थोड़ा ढीला है। सही कहा। खत्म कर दो इसे। गोली नहीं, बहुत मजा आ रहा है। बिना गन के खत्म कर इसे। चाय बोल। ये तो कड़क चाय है। मैंने कहा आंखें खोल। तू तो कमाल का फाइटर है यार। दिल जीत लिया तूने। अरे बात क्या है, ये सब कैसे हो गया? शिवा भाई कहाँ? अरे शिवा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे आदमी घायल है। क्यों गौरी, अपने इस भाई से मिलने आई हो? हाँ, माना मुझे कुछ हुआ नहीं, लेकिन जब कुछ होगा तभी मिलने आओगी क्या? लंदन से लौटे 10 दिन हो गए, एक बार भी मेरी याद आई क्या? 4 साल लंदन में मैं अकेली थी, मुझसे मिलने भी वहाँ कोई नहीं आया था। पर भाई साहब तो गए थे ना, इसीलिए तो मैं इनके साथ रहती हूँ। इसे आप कुछ दिन यहीं रहने दीजिए। अब आ गई है तो यहीं रहेगी, बोलो ना यहीं रहना है। ए मदनलाल, तू एक काम कर। अरे तुझे क्या हो गया? उसे घर पे रखने की क्या जरूरत थी? किसकी बात कर रहा है?
कल रात किसी ने भाई पर हमला किया, उससे ही घर में रखकर इलाज करवा रहे हैं। क्या कह रहे हो, कहाँ है वो बताओ? अंदर बेडरूम में, देखिए कैसे मजे से सो रहा है। ये यहाँ है, इसे तो मैं जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो? ये जब भी मिला है हमेशा लड़ाई हुई है, बहुत बदतमीज है। सुनकर मेरा खून खौल रहा है। दीदी आपको बस वाले रजनीकांत के बारे में बताया था ना, ये वही है। ये तुम्हें रजनीकांत दिखता है? ये तो पूरा टपोरी है। दीदी हम इसे अपने घर ले चलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेरा मतलब यहाँ रहेगा तो भी ठीक ही है। मदनलाल, मारने के बजाय इसे यहाँ क्यों रखा है? मुझे क्या पता, रात में तो भैया इसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। अच्छा, क्या कह रहे हो? भाई मदनलाल, तुम कुछ भी कहो, अगर शिवा भाई ने इसे रखा है तो जरूर इसमें कोई खास बात होगी। कैसे सो रहा है देखो। रघु, शिवा भाई का काम तमाम हुआ? नहीं, शिवा भाई जिंदा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो मर गया होता तो सब कुछ इतना शांत नहीं होता। सुर्खियों में वही बना रहता और उसी की चर्चा होती। पुलिस वाले ऐसे आराम से नहीं बैठे रहते, इसलिए मैं जानता हूँ वो जिंदा है। बात करता है। ये दोनों भाई यहाँ जेल में बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाते। अगर शिवा भाई चाहते ना तो इन्हें जेल के अंदर ही दफना देते। अरे तुम जानते हो, सच्चाई तो ये है कि इनसे एक बच्चा भी नहीं डरता। एक बात और बताऊं, जैसे ही ये जेल से बाहर निकलेंगे इनका खेल। अरे ये मैक्स का बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया, कैसे मिलेगा ये? अरे मैक्स, 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 कहाँ है तू? अरे मैक्स, सुनिए, क्या आप मैक्स को ढूंढ रहे हैं? जी बिल्कुल, आप जानते हैं मैक्स? वो तो एक एहसास है। अरे घंटे का एहसास? मैक्स एक जोश है, मैक्स एहसास है, मैक्स एक आग है, मैक्स एक तूफान है, मैक्स एक सुनामी है, मैक्स एक कंकड़ है, मैक्स पत्थर है, पत्थर? सच कहूं तो मैक्स जमीन से फूटता एक लावा है जो कभी नहीं ठहरता। नहीं समझे ना? 500 का नोट निकालो, बताता हूँ। मैक्स के लिए 500 क्या, 1000 दूंगा, ये लीजिए और ऐश कीजिए। ठीक है, फिर शाम 6 बजे रविंद्र भारती थिएटर में पहुँच जाना, मैक्स वहीं मिलेगा। वो वहाँ क्या कर रहा है? ऐसे नहीं, इज्जत से बात करो। मैक्स आई लव यू। शाम को 6 बजे जब तुम थिएटर पहुँचोगे तो मैक्स आई लव यू नाटक दिखाएंगे। मैक्स का किरदार मैंने ही निभाया है। अरे रुको, 1000 तो लौटा दो। इन पैसों से तुम्हें सिर्फ 2 टिकटें ही मिलेंगी और 1 कोल्ड ड्रिंक। जब काउंटर पर पहुंचोगे तो हमारा नाम लेना, सरफराज काटरे। क्या नाम बताया? सरफराज काटरे, काटरे। धन्यवाद। एक सेकंड, इस वक्त हेलो। हाँ, प्यासा कुएं के पास नहीं आएगा तो कुआं प्यासे के पास जाएगा। किसी को मत छोड़ो, सबसे लो, ठीक है? धन्यवाद, सी यू। सरफराज काट गया। मैं रात से उसे कॉल लगा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं। वो मैक्स दिखने में बच्चा जरूर लगता है लेकिन इतने लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया, मतलब उसमें कुछ तो बात है। भूल हमसे हुई है, अगर हम उसकी थोड़ी और मदद कर सकते तो आज शिवा भाई की अर्थी उठ रही होती। शकील जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों ने मैक्स को ही मार दिया हो? ए, जरा अपना नाम तो बता। रजनीकांत। क्या? रजनीकांत। आया गांव से? अपने गांव से। नॉर्थ से या साउथ से? हिंदुस्तानी। तो फिर गांव से यहाँ पर क्यों आया? हाँ, बचपन में एक लड़की से प्यार करता था, उसके चक्कर में घर से भाग गया और 12 साल शहर में बिताए। अच्छा, प्यार का मामला है? तब उम्र क्या थी? यही कुछ 11 के आसपास। 11 साल की उम्र में कोई ऐसे प्यार करता है, बेवकूफ समझा क्या? चल बता, तुझे किसने भेजा है? हाँ? वो तो इसकी शक्ल बता रही है, मंगल सिंह ने भेजा है। जरा देख दो। भाई, मंगल सिंह का बेटा। बात करने दे, देखे तो सही क्या कहता है। ए, स्पीकर ऑन करके बात कर, अगर होशियारी की तो मारे जाओगे। हाँ बोल, क्या हुआ? तेरे शिवा को मार नहीं सका, बच गया वो। तो कब मारोगे? मौका मिलते ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, घर आके मिला मुझसे। नहीं आ सकता, अंडरग्राउंड हूँ। अंडरग्राउंड हूँ मतलब? अंडरग्राउंड मतलब आराम कर रहा हूँ, मुझे भी मार पड़ी है, पैर तोड़ दिया उन लोगों ने। अब फोन रख, चल। एड़े, पूरा पागल है ये। शिवा भाई, आप कहें तो अभी के अभी सारी मैगजीन खाली कर देता हूँ। अरे मारना है तो मार देना यार, परेशान क्यों कर रहा है? मेरी जिंदगी की क्या कीमत लगाई है मंगल सिंह ने? 1 करोड़ रुपए।
मतलब तू ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है, वरना तेरी मेरी कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, सही कहा ना? देखा जाए तो तू कोई हत्यारा नहीं है, मगर तुझमें कुछ बात है। तू मरने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तुझे जिंदा रहने का हक है। इसलिए बेटा ठीक हो जाने के बाद जाना चाहे तो जा, या फिर हमारे साथ मिलके काम कर, मुझे तेरे जैसा कोई जिगर वाला चाहिए। दिल जीत लिया बड़े भाई। बड़े भाई किसे कह रहा है? पूरा पागल है। आपको उसे यहाँ से जल्दी निकालना होगा। पता नहीं कितने दुश्मन पाल रखे हैं आपने। आपकी गुंडागर्दी की वजह से हम अनाथ हो गए, भाभी ने अपनी जान गवा दी। इसीलिए आपके साथ रहने में मुझे डर लगता है। मैं लंदन से यहाँ आपके साथ रहने नहीं आई, मैक्स को ढूंढने आई हूँ। जिस दिन वो मुझे मिल जाएगा, मैं आपकी नजरों से दूर चली जाऊंगी। ए लड़की, तू यहाँ पे क्या कर रही है? ये मेरा ही घर है। तेरा घर है? मेरे भाई को मारने आए थे ना तुम यहाँ। जैसे ही सोओगे ना, मैं आके चाकू मार दूंगी। मुझे मारेगी? रुक दिखाता हूँ। हे, हाय रजनी। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और वो पागल कौन थी? मेरी दीदी है वो। दीदी है? एक बात बताइए, ये मैक्स कौन है जिसका जिक्र गौरी ने किया? वो जब हम गांव में रहते थे, वो हमारे पड़ोस में ही रहता था। दोनों का बचपन साथ ही गुजरा। पता नहीं 12 साल पहले वो घर छोड़कर क्यों चला गया। मैक्स, मैक्स, अरे मैक्स! आप मैक्स को जानते हैं? जानता हूँ। वो यहाँ आता जाता रहता है। मुझे क्या पता, इसलिए तो ढूंढ रहा हूँ। मैक्स को जानते हो तो गौरी को भी जानते होगे। बिल्कुल जानता हूँ, उन दोनों को मिलाने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। अरे मारा क्यों तुमने? आवाज मत कर, लोग पिक्चर देख रहे हैं। बेवड़ा, उन दोनों के बारे में क्या जानते हो? अरे वो दोनों लैला मजनू है। तो तुम क्या कोई ब्रोकर या दलाल हो? मेरी शक्ल दलाल जैसी है, पर मैं हूँ नहीं। अरे वाह, मैक्स हमारा पड़ोसी है, और हम कौन है जानते हो? गौरी के पति। ये क्या बोल रहे हो, गौरी की शादी हो गई है? शादी हो गई थी, लेकिन सुहागराज से पहले ही मैक्स आया और गौरी को उठाकर ले गया। पता हमारी गौरी कहाँ है? पता गौरी का पता दे। पता, पता, बोल। अरे बोल। हाय, आपको चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, दूध चाहिए, जो चाहिए मुझसे कहिए, मिल जाएगा। अच्छा, सारी चीजें देती हो? रुको, मैं अभी आता हूँ। मेरा फोन कहाँ है? भाई मेरा फोन दो ना। फोन किधर है? भाई फोन दो ना यार, जरूरी कॉल करना है। किससे कॉल करना है? घर पे कॉल करना है, दो ना यार। चल नंबर बता। 0891। हेलो। हेलो, प्रभाकर स्पीकिंग। हेलो पापा, मैं बोल रहा हूँ आपका बेटा। बेटा, गौरी का कॉल आया था। कब? उसने अपना नंबर भी दिया है। बेटा, वो तुमसे मिलने के लिए बेचैन है, तुम जानते नहीं कितनी परेशान है वो। एक मिनट, उसका नंबर दीजिए मुझे। हाँ लिखो। भाई पेपर पेन कुछ तो दे। अरे कोई पढ़ा लिखा नहीं है। लिख रहे हो ना बेटा? पापा एक मिनट, एक मिनट। अरे यार, अरे भाई दो ना यार, कुछ तो दो। बेटा नंबर नोट करो। एक मिनट, एक मिनट। हाँ मिल गया। हाँ बेटा। हाँ बोलिए पापा। 99899। हाँ। 72 लिख लिया ना? आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। आई लव यू पापा। चलिए बाद में फोन करता हूँ। इधर तू फोन किसको कर रहा था? हाँ, शेर को कभी शिकार करते हुए देखा है क्या तूने? देखना चाहता है तो बोल। Thank you.
You're coming tomorrow, right? Yes, of course I'm coming. बिल्कुल. अरे पास में कोई बाइक या गाड़ी है क्या? बताओ ना, कुछ भी चलेगा. अरे खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो यार? किस बेवकूफ ने मेरा पैर तोड़ा था? मैडम, इस नंबर का एड्रेस चाहिए था. उस काउंटर पर जाइए. मैडम, इस नंबर का एड्रेस बता सकती हैं? नंबर बताइए. 9984-5223. 5223. नाम मेघना है. यानी गौरी का असली नाम मेघना है. सुनिए, पता बाद में दीजिए. ठीक है. फॉर्म भरते वक्त फोटो तो लगाया होगा ना उसने? दिखाइए. तो ये है मेरी गौरी और मैं इसे ढूंढ रहा था. गौरी, 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 क्या हटना यार? बड़े भाई. क्यों बे, मेरी बहन गौरी को नाम से पुकारता है? तेरे से एक बात करनी है. मेरे साथ आ. अच्छा, बात क्या है बता तो. मेरी गौरी कौन है पता है? जिसके प्यार के लिए मैं अपने गांव से भागा था. मैं ही मैक्स हूँ बड़े भाई. मैं लंदन से यहाँ मैक्स को ढूंढने आई हूँ. मैक्स? उससे मिलने के लिए मैं कब से भटक रहा हूँ. तेरी बहन ही मेरी गौरी है. मुझे पता नहीं था. मैं तुझे मारने के लिए आया और तूने मुझे घर में रख लिया. बड़े भाई, मेरा मन कर रहा है तुझे गले से लगा लूं. आ जा. गौरी कहाँ है? गौरी, तू उसे चाहता है ना? तेरी कसम उसे चाहता हूँ. तो मेरी बात मानेगा? हाँ बोलना. तो तू ही मैक्स है, ये बात गौरी को मत बताना. पर ऐसा क्यों बड़े भाई? मैक्स, बचपन से गौरी को मुझसे नफरत थी और वो भाई साहब के पास रही. कभी मेरे पास रही ही नहीं. वो यहाँ पढ़ने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई. अब बड़ी मुश्किल से वो वापस लौटी है. अगर वो जान जाएगी कि तू ही मैक्स है तो वो तेरे साथ चली जाएगी. लेकिन अगर कुछ दिन यहाँ रहे तो शायद नफरत खत्म हो जाए. गौरी के सिवा मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी तुम उसे कुछ मत बताओ. तू जो बोल रहा है वो मैं नहीं कर पाऊंगा बड़े भाई. गौरी को देखने के बाद मुझसे रहा नहीं जाएगा. मेरी परेशानी को तू समझ क्यों नहीं रहा है? तेरे जाने के बाद तेरे माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा कभी सोचा तूने? बिना कुछ सोचे समझे तूने घर छोड़ दिया. अरे पागल, गौरी के अलावा कभी अपने माँ बाप का ख्याल आया है तुझे? हमें छोड़ के कहाँ चला गया था बेटा? उसी तरह गौरी ने तेरे सिवा मेरे बारे में कभी नहीं सोचा, जानता है? मेरे सामने से चली गई और मैं खामोश खड़ा रहा. सिर्फ तुम्हारे लिए बड़े भाई, ये मुझसे नहीं हो पाएगा. ठीक है, 12 साल गौरी के लिए इंतजार किया, अब 12 दिन तुम्हारे लिए रुक जाऊंगा. उसके बाद मुझसे नहीं हो पाएगा. मैं मैक्स हूं, उसे नहीं बताऊंगा. हाँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत छेड़ तो सकता हूं ना. छेड़ सकता हूं मतलब? सैंपल दिखाता हूं. हेलो, हू इज दिस? हेलो जानेमन, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, कुछ बोलो ना प्लीज. ए, कौन हो तुम? गुस्सा मत कीजिए, प्यार से गाना सुनाइए. तेरा मुंह तोड़ दूंगी, चल फोन रख. इतना ही देख लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं. बड़े भाई, मैंने गौरी से फोन पे बात की, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, नसीब खुल गया. अनु, गौरी को कुछ मत बताना ठीक है? जो काम हमें सौंपा गया था वो हमने कर दिया है.
मंगल सिंह से कह देना कि उनके बेटे घर पहुंच जाएंगे। हाँ। आ जाओ आ जाओ मेरे शेरो। तुम लोगों के रिहा होने से मेरी ताकत दुगनी हो गई है। अब मेरे दुश्मनों की खैर नहीं। हे, तुम चाहे कहीं भी रहो, एक नाम कभी मत भूलना, शिवा भाई, शिवा भाई, शिवा भाई। पूरा शहर ढूंढ लिया फिर भी मैक्स नहीं मिला। मैक्स, अरे मैक्स कहाँ गया यार, दिमाग खराब हो गया है। एक्सक्यूज मी जी, आप किसी मैक्स को? मैक्स मेरे दोस्त का नाम है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। क्या आप गांव से आए हैं? हाँ बिल्कुल, पर आपको कैसे पता चला? मैक्स यानी एमबीबी कॉलोनी का मैक्स। हाँ। प्रभाकर चाचा का बेटा। हाँ। मतलब तुम जॉनी हो? हाँ, मैं ही जॉनी हूँ। मुझे पहचाना, मैं गौरी। गौरी? हाँ। अरे बाप रे बाप, ये तो सच में करिश्मा हो गया। मैं मैक्स को ढूंढ रहा था और तुम मुझे मिल गई। एक बात कहूँ तुमसे? हाँ? मैक्स भी इसी शहर में है। सच में? जब मैक्स को पता चला तुम यहाँ हो तो वो भी यहाँ आ गया, और उसे ढूंढते ढूंढते मैं भी यहाँ आ गया। तुमने उसके घर अपना नंबर दिया था ना, वही तो देने आया हूँ। गौरी, तुम मैक्स को बहुत चाहती हो ना? तुम उसे पहले मिल चुके हो ना? अरे मुलाकात की बात कर रही हो? मैंने ही तो उसे बस पे चढ़ाया था। अच्छा, वो दिखने में कैसा है? उसकी तो बात ही अलग है, सारे हीरो उसके सामने फेल है। किस फील्ड से पढ़ाई की उसने, कंप्यूटर या एमबीए? कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं कर रही हो? अच्छा, उसकी हाइट कितनी होगी? हमसे भी लंबा चौड़ा है, एकदम हीरो है वो। जॉनी, तुम मुझे देख के पहचान गए ना? थोड़ा बहुत याद था मुझे, दरअसल मेरे घर के पास बहुत सारी लड़कियां थे ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तुम पर कभी ध्यान भी नहीं दिया ना। थैंक यू सो मच जॉनी, हमें मिलाने के लिए ही ऊपर वाले ने तुम्हें भेजा। बस तुम भरोसा रखो, वो भी मिल जाएगा। मैक्स, ए, तू मुझे अपना नंबर दे, आज से हम दोनों मिलकर उसे ढूंढेंगे, ठीक है? डन। यस डन। काफी वक्त हो गया, अपनी गौरी को मैंने छेड़ा नहीं है। पार्टी, एक मिनट। हेलो, कुछ तो बोलो, आई लव यू बोल दो। दोबारा फोन किया तो मुंह तोड़ दूंगी, फोन रख। लफंगा कहीं का। दीदी, मुझे शक हो रहा है, अपने घर में वो जो रजनीकांत रहता है ना, कहीं वही तो नहीं है इसके पीछे? तुम ही मुझे कॉल करते हो है ना? मैं क्यों कॉल करूंगा, तेरा दिमाग खराब है क्या? अभी सबक सिखाती हूँ। ये मेरा फोन नहीं है। बदमाश लफंगे। सुनो जी, कुछ कहिए ना, मुझे आप पसंद है। ये एक गाना ही सुना दीजिए। लफंगा कहीं का, मेरे घर में रहकर मुझे पे लाइन मारते हो, तेरी तो। इसे तो सबक सिखाऊंगी। भड़क गई क्या? मदन पाल जी, उस कमरे में जो लड़का है ना, मैं उसे जान से मारना चाहती हूँ। हम भी यही चाहते हैं। अब आपने बोल दिया ना, भाई के जाते किस्सा खत्म। दीदी रहने दो ना, क्या कर रही हो? सुन, तो उसका साइड मत ले वरना तू भी मारी जाएगी। भाई आ गए। सुनो मदनलाल जी, भाई सबको साथ लेके चलो। आप चलिए, हम अभी आते हैं। ए, चल चल, ए, हथियार निकालो। हाँ, चलो। सुनो, सारे दरवाजे बंद कर दो, आज उसे यही मार डालेंगे। ये सब क्या हो रहा है, मेरी फील्डिंग क्यों लगा रहे हो? ये तो काठी डालेगी। सब मिलके मेरा गेम बजाने आए हो क्या? ये मुझे परेशान करता है। मैम साहब को तंग करता है बे। ये तो बस शुरुआत थी, जरा मेरा जूता देखो ध्यान से। अगर कोई भी आगे आया ना तो चीर के रख दूंगा। मारना चाहते हो तो मारो, लेकिन जाते जाते 8-10 को तो साथ लेके ही जाऊंगा। क्या कर रहे हो, इसे मार डालोगे, मार डालोगे, मार डालोगे नालायकों, इसे जीने क्यों नहीं देते? गौरी, तुम्हारे हाथ में तलवार? चलो जाओ, जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो सब। अबे ओए हीरो, अपनी जबान पर काबू रखा कर, वरना मैं इनसे तुझे बार बार नहीं बचा पाऊंगा। तेरे कहने पे ही मेरी जबान काबू में है और मेरी गौरी मेरे खून की प्यासी हो गई। अच्छा बता, कभी किसी का कत्ल किया? अभी तक तो नहीं। बेवकूफ, तो मैंने क्या किया था जो मुझे मारने आ गया था? मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ। तू बेवकूफ है, एक नंबर का बेवकूफ। बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरी बेवकूफी मुझे यहाँ तक तो ले आई ना।
शिवा भाई के बल पे तुम लोग बहुत ज्यादा भौंक रहे थे, एक एक को खत्म कर दूंगा। एक दिन इसी तरह तेरा शिवा भाई भी मरेगा। शिवा भाई के आदमी जहां भी मिले उन्हें मार डालो। अच्छे से सोच समझकर प्लान बनाओ, ऐसा वार करो कि खाली ना जाए। अब बताओ मैक्स कहां है? बड़े भैया, तेरी तो। बड़े भैया, आपने इसकी हरकतें देखी? गा गा के हमें परेशान कर रहा है। इस लफंगे को तुरंत यहां से निकालें। क्या कहा लफंगा? वरना बोले कि अपना मुंह बंद रखे। हे, मैं लफंगा नहीं हूँ, तू ही पागल है। चुप कर पागल। वाह 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 वाह, खुद पागल होकर मुझे। अपनी औकात से अगर ज्यादा उड़ेगा ना तो जान से जाएगा। आज तेरा मूड खराब है क्या बड़े भाई? तुम लोग अंदर जाओ। अरे बड़े भाई, तूने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे बुरा नहीं लगा, दिल छोटा मत कर। पता है मैंने तुझे क्यों मारा? गौरी ने आज पहली बार मुझे बड़े भैया कहकर पुकारा, ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। कोई बात नहीं बड़े भाई, तू खुश है तो मैं खुश हूँ। कहाँ है तू? अरे बताया ना, अंडरग्राउंड हूँ। फोन रख, परेशान मत कर। इसकी तो। हाँ बड़े भाई, तेरे आने से मुझे गौरी से मिलना है। अच्छा वेट करो। हाय जॉनी। जैसा तुमने कहा था पेपर में ऐड दे दिया है। मैक्स जहाँ भी है तू आ जा, गौरी तेरा इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच जॉनी। मुझे नहीं पता मैं उससे कभी मिल पाऊंगी या नहीं। अच्छा तुम दोनों की एक साथ कोई फोटो नहीं है? फोटो तो है। फोटो तो है पर मेरे पास नहीं है। अच्छा तो अब क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है, चलो मेरे साथ। चलो। पूरे 12 साल तक पिछड़े रहने के बाद ये अपने आशिक मैक्स को ढूंढ रही हैं, पर ये नहीं जानती कि वो कहाँ है या फिर किस हाल में हैं। आज हमारे रेडियो स्टेशन पर हैं बचपन का प्यार तलाशने वाली गौरी, साथ ही उनका दोस्त जॉनी। हे मैक्स, कहाँ है तू? तू जहाँ पर भी है एक बार रेडियो मिर्ची जरूर सुन लेना। तू गौरी को ढूंढना छोड़ दे क्योंकि वो मेरे साथ है, समझा? ले बात कर। मैक्स कहाँ हो तुम? आज हमारी शादी की सालगिरह है, मुझे याद है आज ही के दिन हम मंदिर गए थे। अपनी भाभी की मौत का जिम्मेदार मुझे मानकर गौरी मुझसे नफरत करने लगी। भाई वो देखो मैक्स। हाँ भाई, लगता है दोनों मिल गए हैं। निकम्मा कहीं का। ए, वो दोनों जेल से आजाद हो गए, क्यों नहीं बताया मुझे? जवाब दे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए बड़े भाई, छोड़ दीजिए। हाँ, ए चलो यहाँ से। वो मैक शिवा भाई से मिल गया है। सही कहा आपने, मतलब कहानी में ट्विस्ट आ गया। अगर वो नहीं होता तो शिवा भाई जिंदा नहीं होता। पर पहले पता करो वो उसके लिए काम क्यों कर रहा है। कैसे पता करूं? जब भी फोन करो कहता है अंडरग्राउंड हूँ, अंडरग्राउंड हूँ। हमें अंडरग्राउंड करने की प्लानिंग करा था साला।
मुझे तो लगता है शिवा भाई ने ज्यादा पैसा देकर उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया है। उसने मंगल सिंह को धोखा दिया है तो उसकी मौत तो तय है। अब उसे ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। शिवा भाई से पहले उसे उड़ाना होगा। मंगल सिंह का पता नहीं साहब, जिस दिन दिख गया उस दिन जिंदा नहीं बचेगा। बोल देना उसे। हाँ जी समझ गया। लड़की है या कोई करंट है? जानते हो मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। जानता हूँ तो। लेकिन अब पसंद करने लगी हूँ क्योंकि तुमने बड़े भैया की जान बचाई। थैंक यू सो मच। अगर तुम मारोगी नहीं तो एक बात बोल सकता हूँ क्या? हाँ बोलो। पहले वादा करो कि मारोगी नहीं। नहीं मारूंगी। अब जल्दी बोलो। आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कुछ तो जवाब दो। हाँ ना कुछ तो बोलो। हाँ बोलिए दीदी, जल्दी हाँ बोलिए। आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही हूँ। बच गए तुम, वरना आंखें फोड़ देती। हरकतें तो देखो, ए गुंडागर्दी के ही लायक हो तुम। ए जूलियट के रोमियो। हाँ जरा इधर आ। हाँ बड़े भाई। क्या कर रहा था वहाँ? हम दोनों के बीच जो गलत फहमी है उसे मिटा रहा था और प्यार से उससे आई लव यू बुलवाने की कोशिश कर रहा था। मेरी गौरी अगर तुझे आई लव यू कह देती है तो तू क्या करता? बोलना। उसकी जान ले लेता। क्या मतलब? तूने बिल्कुल सही सुना, उसकी आई लव यू बोलते ही उसे जान से मार देता मैं। ए! मैक्स ने 12 साल उसका इंतजार किया है, उसे भी इंतजार करना होगा। अगर हम दोनों में से किसी ने भी धोखा दिया तो उसे मरना होगा। मैं तेरी बात से पूरी तरह सहमत हूं। तूने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। बेस्ट ऑफ लक। तेरे जज्बे की दिल से तारीफ करता हूं। ठोक दो सबको। छोड़ना नहीं, सबको मार दो। दौड़ा दौड़ा के मारो सबको। मंगल सिंह के दोनों बेटों को ढूंढो और जैसे ही वो मिले मेरे सामने लेकर आओ उन्हें। बड़े भैया। क्या बात है गौरी? मैं और अनु चेन्नई जा रहे हैं। किस लिए? दोस्त ने शादी पे बुलाया है। किसी को अपने साथ लेकर जाओ। ए रंगा। हाँ भाई। किसी की जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे। देखो गौरी मेरी बात को समझो, धमकी मिली है कुछ भी हो सकता है, संभल के रहना चाहिए। संभल कर आपको रहना चाहिए, मुझे नहीं। बड़े भाई आप कहें तो मैं इसके साथ चला जाता हूँ। ए लफंगे, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, हमें बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, हम खुद चले जाएंगे। एक बात बोलनी पड़ेगी बड़े भाई, तेरी बहन का दिमाग है ना सातवें आसमान पर रहता है, ये अच्छी बात नहीं है। सॉरी। आइए। अच्छा सब तैयार है? सब तैयार है। उसे फोन किया? अभी नहीं किया। अरे तो खड़े क्या हो, फोन करो। हाँ, बेवकूफ। मैं 10 से पहले घर से नहीं निकल पाऊंगी। ए ध्यान से सुन, देर मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए वक्त पर पहुंचना। मैं कोशिश करूंगी। लगता है मुहूर्त का वक्त हो रहा है। लगता है आ गई। वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो जल्दी चलो। चलो बैठो जल्दी। चलो जल्दी चलो चलो। छोड़ना नहीं।
टेंशन मत लो, अपना हीरो सेट पे आ चुका है। अब वो करेगा दुश्मनों की अच्छी तरह धुलाई। भाग की शादी करेगी हाँ? अब तू कौन है बे? मैं कौन हूँ इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं यहाँ तुम सबको सुलाने आया हूँ। अच्छा, तो तू शहर का बहुत बड़ा गुंडा है क्या? शहर हो या गांव, क्या फर्क पड़ता है रे? शहर भी मेरा है और गांव भी मेरा। यहाँ प्यार करने वाले एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, इसीलिए ये देश इतना महान है। आज मेरे सामने जो भी आएगा मिट्टी में मिल जाएगा। एक एक को फोड़ डालूंगा रजनीकांत की कसम। तू चाहे जो भी कर ले, ये शादी नहीं हो सकती। खड़े खड़े ताली क्या बजा रहा है? लड़ना है तो आके लड़ना। मंगलसूत्र पहना। पहनाओ। चुप, ऐसा मत करना। डर मत, पहना। सुना तूने? चलो अंदर चलो। अपनी मर्जी से शादी करेगी? चल निकाल मंगलसूत्र, चल निकाल। बोला था ना होगी अच्छी तरह धुलाई। साले को छोड़ना मत, भाग रहा है। इसे बच के भाग नहीं पा रहे। भागने का रास्ता नहीं है। घुंघरू टूट गए क्या? प्यार करने वालों को रोकते नहीं है, बल्कि उन्हें मिलाया जाता है। ये चार दिन का प्यार नहीं, बचपन की दोस्ती है जो जवानी में आकर प्यार बन गई। किसी से अलग होने का दर्द क्या होता है मैं जानता हूँ। मोहब्बत करने वालों को तुम अलग कैसे कर सकते हो? क्या मिलेगा तुम्हें? अरे तू ऐसे क्या देख रही है? क्या यार, तेरे पीछे भी मैं कितने दिन से गोल गोल घूम रहा हूँ और तू है कि मुझे बस गोल गोल घुमाए जा रही है। कभी प्यार से तो बातें नहीं की मुझसे तूने? क्या है, बैरी हो गई है क्या? मैं जो कह रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा? बेवकूफ लड़की। दूल्हे राजा इधर। अनु देखा तुमने, उससे कितनी प्यार से बात कर रहा है और हमसे बेरुखी से बात करता है। वो कब क्या करता है कुछ समझ में ही नहीं आता। वैसे अनु, बीच में मुझे शायद मैक्स का नाम सुनाई दिया था। मैंने तो नहीं सुना। ओह अच्छा, इनके घूमने के लिए कोई अच्छी सी जगह? पता नहीं आज मुझे क्यों ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। लगता है शायद इसके दिल में भी कोई लड़की बसती है। क्या बात है, पहली रात के लिए उतावला हो रहा है। आपकी मेहरबानी। चल ऑल द बेस्ट अनुजी। अपनी दीदी को जरा बुलाएंगी प्लीज? दीदी तो अभी नहा रही हैं जीजा जी। क्या जीजा जी, मेरी साली। इस तरह गाल मत खींचे ना, कहीं दीदी को बुरा लग गया तो। और फिर मुझे भी तो कुछ कुछ होता है। सच में? देखो तुम भी बहुत अच्छी दिखती हो, लेकिन मैं गौरी से ही प्यार करता हूँ, तो इसीलिए मैं और गौरी बस, बीच में कोई भी नहीं, समझ गई? लेकिन तुम्हारी दीदी है कहाँ? उसे देखकर कुछ कुछ हो रहा है। बड़े भाई को किया वादा गया तेल लेने, मैं तो रुक नहीं सकता। हे, हेलो। हाँ, क्या हुआ? क्या तुम मुझे पूछना चाहिए? कभी यहाँ से आ रही हो, कभी वहां से गुजर रही हो, कमाल लग रही हो। या तो दरवाजा बंद कर लो या मुझे अंदर बुला लो, ऐसे तड़पाओ मत। तुम्हें देखकर मुझे क्या क्या हो रहा है मैं बता नहीं सकता। ऊपर से इनकी सुहागरात, मैं भी तो इंसान हूँ, क्या करूँ कहाँ जाऊँ। अरे आ जाओ टंटना टंटा। मैंने जो कहा था उसके बारे में कुछ सोचा क्या? कहना क्या चाहते हो? यही कि मेरे साथ कुछ करने का इरादा है या नहीं। करना क्या है? वैसे तो करने के लिए बहुत कुछ है, बस एक बार कह दो कि तुम मुझे पसंद करती हो,
वैसे भी अन्नू के सामने तुमने ये बात मान ली है, तो फिर मुझसे क्यों नहीं कहती आई लव यू? आई लव यू, आई लव यू। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे यही कहूं, है ना? मैं मर जाऊंगी पर नहीं कहूंगी, सिर्फ तुमसे ही नहीं दुनिया के किसी भी लड़के से आई लव यू नहीं कहूंगी, बस अपने मैक्स के सिवा। मेरे मैक्स के बारे में जानते क्या हो? मेरे दिल की धड़कन है वो, जीने का मकसद है वो। तुमने कुछ कहा था ना बचपन की दोस्ती के बारे में, ऐसा ही दोस्त है वो मेरा। बचपन में मेरी एक जिद की वजह से उसने अपना घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया। 12 साल से मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। वही मेरा सच्चा प्यार है, माँ बाप भाई बहन, यहाँ तक कि ऊपर वाले से भी बढ़कर। उसे याद किए बिना मैं एक रात भी नहीं सोई हूँ, उसके अलावा मैंने किसी के बारे में सोचा भी नहीं। मैं बस उसे एक बार कहना चाहती हूँ, आई लव यू मैक्स। क्यों गौरी, शादी कैसी रही? भाई की बात का जवाब क्यों नहीं देती? सब अच्छे से हो गया। प्यार से भी कह सकती हो, ये कौन सा तरीका है? बेचारी थकी होगी, उससे ऐसे बात मत करो। वो मैक्स कहाँ है? तू यहाँ छुपा है? सब बैठ के जेल से भाग के यहाँ आराम से घूम रहा है, चल बैठो। मैंने क्या किया? डर गए थे क्या कि पुलिस के हत्थे चढ़ गए? चिंता मत कर, अपने ही लोग हैं, बैठ जा, बात करनी है। अब ये बता, पार्टी क्यों बदली? शिवा भाई ने ज्यादा पैसे दे दिए या तू उससे डर गया? माफ करना, शिवा भाई को मार नहीं सकता, पैसे वापस चाहिए तो लौटा दूंगा। पैसे वापस करके क्या तू बच जाएगा? शिवा भाई के घर में रहता है तू, इसलिए उसे तू ही मारेगा। और जो पैसे बाकी हैं उसे भी भूल जा, याद रख अगर मना किया तो तू जिंदा नहीं बचेगा। लगता है तू समझा नहीं, शिवा भाई कौन है पता है? गौरी का बड़ा भाई। प्यार हो गया? हाँ बिल्कुल। ए सुन, गौरी के पीछे आदमी लगा दे, अगर तूने शिवा भाई को नहीं मारा तो फिर तेरी गौरी तो गई। ए, गौरी का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। हमारे लड़के उसे शिकारी कुत्तों की तरह नोच खाएंगे और कोई हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, समझा? अरे भाई क्या हुआ? इसकी तो बत्ती बुझी। तूने गौरी का नाम क्यों लिया? मैं तो पागल हूं, तू तो समझदार था ना, क्या करवा दिया मुझसे? सुन, साहब से बात हो गई है, काम हो जाएगा। हाँ निकल, जल्दी निकल। हा? हा? सर वो लड़का भाग गया, उसके पीछे आदमी भेजे सर। हा? अरे वाह, घर तो काफी बड़ा है। जॉनी तुम है? बैठो, मैं अभी आई। हाँ। भाई बड़े भाई, क्या हुआ, कहां था तू? मैंने गलती से उसे मार दिया बड़े भाई। किसे मार दिया? मंगल सिंह का जो आदमी था ना, उसने मुझे पकड़ा था। ए, सिर्फ उस अकेले को मारा तूने? बाकियों को जिंदा क्यों छोड़ दिया बेवकूफ? बाकी सब कहाँ हैं? बस दिल कहीं के हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, इसलिए इस तरह की चाल चल रहे हैं। अरे मैक्स, तू यहाँ पर है? वही रुक, मैं आता हूँ। तुझे ढूंढते ढूंढते मैं और गौरी कहाँ कहाँ भटके हैं और तू यहाँ पर है। अरे अच्छा हुआ तो मिल गया, गौरी मैक्स मिल गया। अबे हाथ तोड़ा जॉनी, इधर इधर चुपचाप इधर। अरे मेरी बात तो सुन, मैंने मैक्स का नाम सुना, क्या मैक्स यहीं पर है? जॉनी कहाँ है? जॉनी को मैक्स का नाम लेते हुए मैंने सुना। जॉनी, जॉनी, आप जरूर कुछ छुपा रहे हैं। जॉनी के मुंह से मैंने मैक्स का नाम सुना था, मतलब मैक्स यहीं कहीं था। जॉनी,
रतनलाल, यहाँ पर मैक्स कौन है? हमारे घर में जो रहता है वही है ना? कोई बताता क्यों नहीं? मैक्स, मैक्स, मैक्स तुम यही हो, मैं जानती हूँ। मैक्स यहीं पर है गौरी। तुम्हारा मैक्स हमारे पास है। कहीं तुम फिर से मुझसे दूर ना हो जाओ, इसी डर से ये राज छुपाया। आप जानते हैं मैक्स कौन है? आप मेरे मैक्स को जानते हैं? हाँ, चलो मेरे साथ। अरे सुन तो, ये सब तो उसके अरे भाई वो के बात नहीं है। Hey Max! देखो वो रहा तुम्हारा मैक्स। चाहती हूँ मैक्स। सन, तेरी अनु हमारे कब्जे में। शिवा भाई को यहाँ ला और इसे ले जा। से अनु की हिफाजत करना और बड़े भैया का भी ख्याल रखना होगा तुम्हें। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। मैं इनसे बहुत प्यार।
जंगल सिंह, कहाँ छुपाए तू? मैं तेरे अड्डे पर आया हूँ। अपने बिल में जहाँ कहीं भी छुपाए बाहर निकाल उस दिल कहीं का। तेरी दुश्मनी मुझसे है, लड़ना है तो मुझसे लड़ना। लड़की को ढाल बनाता है कायल। तेरा सर काटने के लिए तेरे अड्डे पर आया हूँ, लेकिन तेरी तरह धोखे से नहीं, नामर्द कहीं का। तेरी किस्मत अच्छी थी कि आज तक बचता रहा, लेकिन आज नहीं बचेगा, इसीलिए ये सब इंतजाम किया है। जंग में तो सब जायज है ना। सुन, मैंने और मेरे बच्चों ने तुझे मारने की कसम खाई थी, वो भी जानता है कब, 23 साल पहले, और आज हम अपनी कसम पूरी करेंगे। ए मैक्स, तुझे शिवा भाई को मारने के लिए भेजा था, उसी का पालतू बन गया। शिवा भाई को यहाँ छोड़ दे और इसे लेकर जा। शिवा भाई जिए या मरे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिसने गौरी पर गोली चलाई वो कौन था? उस आदमी को मेरे हवाले कर दो, वरना सब मारे जाओगे। शिवा भाई चाहिए ना तुम लोगों को, तो पहले उसे मेरे हवाले करना पड़ेगा। तुझे मार कर मैंने अपनी बरसों पुरानी कसम पूरी कर ही ली। आ! 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 आ!
बेवकूफ आदमी, शिवा को कमजोर समझने की गलती की। इतनी सारी गोलियां लगने के बाद कोई बचता है क्या? लेकिन बड़े भाई को देखो जरा, कैसे मुस्कुरा रहे। सर, अच्छे मौके पर किसी को गिरफ्तार करना अच्छी बात नहीं है, छोड़ दीजिए हमें। लेकिन उस दिन तुम लोग जेल तोड़कर भागे थे, वो भी तो अच्छी बात नहीं है। वो तो बस चोर पुलिस खेल रहे थे। बच्चे खेलेगा, खाल खींच लूंगा, समझा? एक सेकंड, चल भाई बोल के आते हैं। आया सर। हाँ ठीक है, अरे ज्यादा मत खींच। बड़े भाई जरा सुनिए ना, ये लोग हमें जेल ले जाना चाहते हैं। अगर आप हमारी जमानत करवा देते तो हम भी यहाँ रहकर आपकी सेवा करते हैं ना। ये तो मुझे भी पता है, मैं जरूर कुछ करूंगा, आखिर हम रिश्तेदार जो हैं। पर एक बात तो बता। हाँ पूछिए ना। थैंक यू जानू। बचपन में तुम दोनों में झगड़ा हुआ, तू घर छोड़ के चला गया, लेकिन आखिर वो झगड़ा किस बात पर था? वो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं बताती हूँ। मैं बता रहा हूँ। नहीं रुको, मैं बताती हूँ। मैंने कहा ना मैं बताऊंगा। दोनों में से कोई एक ही बता दो। वो क्या है ना, एक दिन तेरी बहन है ना जो, सॉरी, हुआ ये था कि ये खेल रही थी समंदर किनारे बीच पर, वहां इसने एक छोटा सा मंदिर बनाया था। गौरी, तुम्हारी सालगिरह का तोहफा, पता है तुमने क्या किया? मेरे मंदिर को तोड़ दिया। ओह माफ करना गौरी, तुम्हारी सालगिरह थी तो मैं तुम्हें अमरूद देने आया था। कुछ नहीं चाहिए मुझे, आज मेरी सालगिरह है, इसीलिए नहाकर मंदिर जाकर दर्शन करने की सोच रही थी, और देखो तुमने सब बिगाड़ दिया। ऐसा मंदिर मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। चलो पैर हटाओ। ये क्या है पता है? मेरे भगवान। तुमने मेरे भगवान की बेइज्जती की है। मैं इनकी कसम खा के कहती हूँ, तुमसे बात नहीं करूँगी। हाँ, गौरी ऐसा मत कहो, तुम गलती से हुआ मुझसे। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे गौरी सुनो, मैंने भगवान की कसम खाई है। मेरी बात तो सुनो, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। बस इतनी सी बात थी बड़े भाई। पर मुझे तो ये बेवकूफी लग रही है। बचपन में बच्चे बेवकूफी नहीं करेंगे तो क्या अकलमंदी करेंगे बड़े भाई।